वैसे तो इंडिया में काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हैं, लेकिन फिर भी एक हिल स्टेशन ऐसा है जहाँ बार बार जाने का मन करता है, जहाँ की वादियों में कुछ अलग ही बात है, जहाँ नेचर खुले दिल से आपका स्वागत करता है। तो लेके चलते हैं आपको सरोवर नगरी नैनीताल में, जहाँ कभी टूरिस्ट तो कभी ट्रैवलर बन के जाने का मन करता है। सो लेट्स एक्सपीरियंस दिस वर्चुअल जर्नी टुगेदर। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग निकले नोएडा से अर्ली मॉर्निंग टू अवर टुडेज डेस्टिनेशन विच वॉज नैनीताल। और निकलते समय नोएडा में बारिश हो रही थी और वेदर भी ठंडा हो गया था, एंड वी वर ऑल एक्साइटेड फॉर द जर्नी अहेड। और इस ब्यूटीफुल वेदर में हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी टुवर्ड्स गजरौला। नोएडा से नैनीताल की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स है और हमें लगने वाले थे 6 घंटे नैनीताल पहुँचने में। अगर आप कभी नैनीताल आने का प्लान करते हैं तो आप बाई रोड या बाई ट्रेन आ सकते हैं फ्रॉम दिल्ली। ट्रेन से आने के लिए आपको दिल्ली टू काठगोदाम की ट्रेन बुक करनी होगी, जो कि गाजियाबाद से होते हुए आती है। और काठगोदाम पहुंच के आप शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं नैनीताल पहुंचने के लिए। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आप आनंद विहार से दिल्ली टू हल्द्वानी या फिर नैनीताल की बस ले सकते हैं। आनंद विहार से हल्द्वानी और नैनीताल की काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, जो कि आपको अलग अलग टाइम पे मिल जाएंगी। एंड गाइस, अचानक से काफ़ी तेज बारिश हो गई है, और जब हम नोएडा से निकले थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश थी, हल्की बूंदाबांदी थी, और अभी बीच में काफ़ी तेज बारिश हो रही है हाईवे पे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नैनीताल में भी थोड़ा रेनफॉल होगा आज, वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से रेनफॉल हो ही रहा है, तो थोड़ी बहुत ठंडक बढ़ जाएगी पहाड़ों पे बरसात के बाद। और पिछली बार जब हम बनलेखी गए थे तो उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश थी हाईवे पे, और जैसे जैसे हम गए हल्द्वानी और थोड़ा आगे मुक्तेश्वर की तरफ तो बारिश थोड़ी कम हो गई थी, बट बनलेखी में जो मौसम था वो बहुत ही बेहतरीन था। और अगर आप नहीं जानते तो बनलेखी एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है मुक्तेश्वर में, तो कभी भी आप लोग मुक्तेश्वर या कभी वीकेंड में आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग मुक्तेश्वर जा सकते हैं, और ऊपर आई बटन में पूरा डिटेल्ड वीडियो है, वो चेक कर सकते हैं। और फिलहाल तो बारिश के मज़े लीजिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और काफ़ी बारिश के बाद अब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, ऑल्दो आज सनराइज़ तो देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, बट देखते हैं। वेदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया एक तरीके से। A few moments later. सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बीकानेर वाला में, और आज हम यहाँ पे काफी जल्दी पहुंचे हैं। अभी बज रहा है सुबह का 7, और 7 बजे से तो ओपनिंग टाइम है। और फिर ब्रेकफास्ट के लिए हमने लिया एक ब्रेक बीकानेर वाला में, जो कि गजरौला में है, एंड वी एंजॉयड अ वंडरफुल फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद टी। ब्रेकफास्ट के बाद हमने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी टुवर्ड्स मुरादाबाद, रामपुर एंड रुद्रपुर। और इस पूरे रूट में रोड्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, और देखते ही देखते विद इन 2 आवर्स में हम पहुंच गए रुद्रपुर। ट्रस्ट मी, NH8 में ड्राइव करने का अपना अलग ही मजा है।
because the roads are smooth and you can constantly maintain an average speed of 80 km per hour. ठीक है, दो नारियल पानी दे दो। नारियल वाले पानी वाले दे 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 दो। पीना तक करना भैया? पीना नहीं पे। हाँ एक अब पहले ये पी लेते हैं फिर या आप वो रख दे। हाँ पहले ये पी लेते, देखते हैं सर। So it's time to have some refreshing coconut water. Nice है, बहुत अच्छा। एक और दे दो भैया। सो एक रिफ्रेशिंग नारियल पानी के बाद वी कंटिन्यूड अवर जर्नी टुवर्ड्स हल्द्वानी। सो गाइस हम यहाँ से हल्द्वानी 25 किलोमीटर इधर लेना है भैया राइट में। ये गया काशीपुर का और हम कर गए हल्द्वानी वाली रोड में। तो बीच में तो हमें काफी ज्यादा बारिश मिली थी लेकिन अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल हमें बारिश नहीं मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो कुछ इस तरीके का वेदर अभी यहाँ पे हो रहा है। क्या सुंदर लग रहा है। द रोड फ्रॉम रुद्रपुर टू हल्द्वानी इज अ सिंगल रोड जिसमें कि दोनों साइड से ट्रैफिक रनिंग है, बट फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से कॉर्बेट पार्क वाला फील आता है। तो अभी के हिसाब से जो हमारा टाइम दिखा रहा है नैनीताल पहुंचने का, वो दिखा रहा है 12 बजे। ऑलमोस्ट 12 o'clock तक हम नैनीताल पहुंच जाएंगे। तो आज का ये प्लान है कि हम अपने होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ी देर होटल में रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम बोटिंग करेंगे और थोड़ा बहुत मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे। नैनीताल में बहुत ही सुंदर मॉल रोड है। मैं तो काफ़ी टाइम, मतलब हम दोनों अकेले अकेले काफ़ी टाइम नैनीताल जा चुके हैं और तो आपको अपने साथ लेके घुमाते हैं नैनीताल, इस सुंदर मॉल रोड और सुंदर वादियाँ। नैनीताल में वैसे वेदर थोड़ा ठंडा ही रहता है कंपेयर टू हल्द्वानी। अभी वहाँ पे टेम्परेचर 20 से नीचे ही जा रहा है नैनीताल में। यहाँ से रानीखेत 90 किलोमीटर, नैनीताल 42 किलोमीटर। ये हम अभी कहाँ पर हैं, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास में। यहाँ से ये सीधा रोड निकलेगी काठगोदाम, है ना, काठगोदाम से फिर नैनीताल। और हल्द्वानी पहुंचते ही वेदर और भी अच्छा हो गया। हल्द्वानी से माउंटेन्स भी दिखने लगे थे। जैसे जैसे हम माउंटेन्स के पास जा रहे थे हवा भी ठंडी होने लगी। तो गाइस अभी अभी काठगोदाम से हमने थोड़ी सी चढ़ाई शुरू करी है नैनीताल की, और थोड़ा सा आगे आके अराउंड 2 किलोमीटर आगे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ से दो रोड जाती हैं। सो एक जो है राइट में जा रही है, दिस इज गोइंग टू भीमताल एंड दिस स्ट्रेट इज गोइंग टू नैनीताल। सो वी आर गोइंग ऑन दिस वन। और अब यहाँ से है कंटिन्यूस जो है ऑल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं नैनीताल के लिए। सो पहले इस रूट में जूलीकोट आता है, देन जूलीकोट से थोड़ा आगे जाके फिर नैनीताल के लिए कट है, और सेम रोड जो है भवाली के लिए भी आगे जाती है। हल्द्वानी से नैनीताल की रोड में आप स्लो स्पीड में नेचर को एंजॉय करते हुए नैनीताल पहुंच सकते हैं। रोड्स के दोनों ओर फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीनरी है, और जैसे जैसे आप नैनीताल के पास पहुंचेंगे तो रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं जहां आप भुट्टा और मैगी के साथ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ भी एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आपको पहाड़ों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नैनीताल पहुंचने की रोड में काफ़ी सारे कर्व्स हैं और कुछ हेयरपिन बेंड भी हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज ड्राइव स्लो, कीप लेफ्ट वाइल ड्राइविंग इन माउंटेन्स एंड अवॉइड ओवरटेकिंग ऑन टर्न्स एंड ऑलवेज ब्लो हॉर्न ऑन द कर्व्स एंड टर्न्स एंड इफ इंक्लाइंस आर गेटिंग स्टीपर स्विच ऑफ द एसी, इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर व्हीकल। अनदर 28 किलोमीटर्स टू नैनीताल और ये रोड में गाइस काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं इसमें, सो इफ यू आर नॉट यूज टू ट्रैवल इन माउंटेन्स यहाँ पे थोड़ा सा सिर घूम सकता है। बट इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि धीरे धीरे इन पहाड़ों का मज़ा लेते हुए चलिए। वैसे कि नैनीताल में ऊपर बादल ही बादल आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन वेदर लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन वेदर। और हल्द्वानी से नैनीताल रोड में आपको काफी सारे मैगी पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स एंड टी स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो अपने सफर का आनंद आप गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ कर सकते हैं। हमने भी बुशियागढ़ के पास एक छोटा सा चाय मैगी का ब्रेक लिया और सफ़र का आनंद लिया। और जैसे जैसे हम नैनीताल के पास जा रहे थे, व्यूज़ और रास्ते और भी बेहतरीन होते जा रहे थे। बस मन कर रहा था जैसे कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। नैनीताल में पार्किंग की प्रॉब्लम है और मॉल रोड में काफ़ी सारे होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो होटल बुक करने से पहले आप होटल में कॉल करके पार्किंग का कंफर्मेशन ले सकते हैं। जिस होटल में हमारा स्टे था, लेक साइड इन, उसमें पार्किंग अवेलेबल थी एंड सिंस वी हैड अवर फोक्सवैगन पोलो तो ईजिली पार्किंग मिल गई थी। अदरवाइज आपको नैनीताल में गवर्नमेंट पार्किंग में व्हीकल पार्क करना पड़ेगा, जिसका कि चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 रुपीज़ पर नाइट होता है। A few moments later. So guys, हम पहुंच चुके हैं बुजियाघाट में, जो कि काठगोदाम से 10 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे काफी सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आपको मैगी, पकौड़ी रायता और आलू रायता मिल सकता है। तो आप इस माउंटेन व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपना ये छोटे से कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और जैसे हल्द्वानी से हम ऊपर को आए हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर में ही वेदर में इतना चेंज, यहाँ पे काफी अच्छा मौसम हो चुका है और बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है और बारिश जैसे अभी तक हमें बारिश नहीं मिली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नैनीताल में भी वेदर अच्छा होगा, तो बने रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ। और चाय पकौड़े इंजॉय करने के बाद हमने अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू की। भुजियाघाट से नैनीताल की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है। यहाँ से नैनीताल पहुँचने में हमें लगभग 45 मिनट्स लगे। Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along.
A few moments later. So, hi guys. Good evening from Nainital. अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए. नैनीताल पहुंचने के बाद हमने कुछ टाइम होटल में ही रेस्ट किया और शाम होते होते निकल गए एक्सप्लोर करने नैनीताल की ब्यूटीफुल मॉल रोड. हमारा डे वन का स्टे होटल लेक साइड इन में था जो कि मॉल रोड में ही है. शाम होते होते मॉल रोड की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है यहाँ की लाइटिंग से. मॉल रोड में शाम को 6 से 8 बजे तक व्हीकल्स की एंट्री बंद होती है तो यहाँ घूमने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं भी. मॉल रोड के पास ही नैनी लेक है जो कि शाम को और भी ज़्यादा सुंदर लगती है विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स. मॉल रोड के बाद हम चल दिए तिब्बतन मार्केट के द मोस्ट फेमस सोना मोमोज खाने. तिब्बतन मार्केट में एंटर करते ही काफ़ी बड़ा सा स्पेस है और इसके चारों ओर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और नैना देवी टेम्पल भी यहीं पर है. इस मार्केट में वुलन आइटम्स काफ़ी अच्छे और रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं. मॉल रोड की चकाचौंध तो आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया. मॉल रोड में खाने के काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं जैसे कि आप इंजॉय कर सकते हैं ऑल फास्ट फूड्स, चीला, भुट्टा, मैगी, आइसक्रीम, कॉफ़ी और भी बहुत कुछ. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running the east. शाम को मॉल रोड में ठंड सी होने लगी थी तो मैंने ली एक कॉफी और पारस ने एंजॉय की आइसक्रीम और फिर टाइम हो गया था होटल वापस जाने का. तो इस तरीके से हमारा एंड हुआ डे वन इन नैनीताल. वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम नैनीताल.